अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार दोस्तों। दोस्त आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो पे स्वागत है। और आज जो है फिर से एक नया रेस्क्यू में आ गया, और इन भैया ने जो है हमें सूचना किया कि इन्हीं के घर में कोई सांप घुस गया है। तो अभी तक कौन सा सांप था देखे आप? पीला कलर का था, हमको पहचान में नहीं। इनका कहना है कि पीला कलर का था। तो ये जगह कौन सा पड़ता है? ये चीराचास है, चाणक्यपुरी। अच्छा, चीराचास, चाणक्यपुरी। अच्छा, चाणक्यपुरी ना, सिपुरी, चाणक्यपुरी, चाणक्यपुरी है, प्रखंड चास के अंदर ये जगह आता है, जिला बोकारो है। दोस्तों यहाँ पे जो है कोई एक सांप घुस गया है, तो अपना एक बार नाम बता दीजिएगा। ओम सुरम। इन्हें जो हमें सूचना करके यहाँ पे बुलाया है, तो इन्हीं की वजह से आज जो है सांप की जान बच सकेगी। तो चलिए, किधर है, आइए कैमरा मैन। एक घर है क्या? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे यही जो है गैरेज के, और यहाँ पे लगता है नॉन यूजेड सामान, ये सब काम का सामान नहीं ना, तो यहाँ पे रखा गया। इसी में जो अचानक सांप घुस गया, किधर, इधर से घुस गया था ना, किधर से घुसा? इस साइड से घुसा है। अरे तो कैमरा में थोड़ा देखेगा, एक यहाँ पे कोई एक अजीब तरह का एक यहाँ पे है, या फिर वो हम बताया जाए तो कीड़ा है। थोड़ा इसको जूम करके लीजिएगा अच्छा से, और बहुत ही अद्भुत है। दोस्तों जो लोग भी वीडियो को देख रहे हो, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में भी ऐसे नॉन यूजेड सामान अगर रहता है, तो वहां पे आप लोग फिनाइल का यूज कीजिए। उससे क्या होगा, घर पे जो है कीड़ा मकोड़ा घुसेगा नहीं कभी भी। आए दिन क्या होता है, लोगों के घर में सांप घुसा, तो सांप घुसने का पीछे का रीजन रहता है कि ऐसा लोग गंदगी फैला के रखते घर पे, और उसके कारण जो है सांप का प्रवेश करना जो है निश्चिंत रहता है। तो चलिए आइए देखते हैं एक बार कहां से सांप क्या। तो जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे कितना ज्यादा ही पाइप रखा गया है, और ऐसा पाइप के बीच में घुस सकता है कोई, इसका कहना है इसमें। दोस्तों बहुत जगह ऐसा था कि लोग घर में गैस उस रखते हैं, और बहुत जगह ऐसा भी हमें सूचना है कि गैस के अंदर जो है सांप घुस जाता है। यहाँ पे जो होल दिया रहता है गैस में, और उस समय भी बहुत बार सांप को घुस जाता है, जिससे हमेशा चेक करते रहिएगा कभी भी अगर रखते। और ऐसा बोरा वोरा को भी घर पे मत रखिए, ऐसा में भी जो नीचे देखिए ना, और ऐसा रखते तो इस समय भी सांप को घुसना निश्चित रहता है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो, देखिए सांप यहीं पे घुसा हुआ है। कैमरा में आइएगा थोड़ा और देखिएगा कितना शांत से बैठा हुआ है, देखिए वो कौन सा है। तो दोस्तों अभी तक तो ये पता नहीं चल रहा है, हम बोले ना वही है, ये जो कि इंडियन रेड स्नेक है, जिसको हम लोग धामन के नाम से जानते हैं। धामिन है, इसको हम लोग निकालते हैं बाहर। दरवाजा देख लो कौन कौन खुला, वही वही घुस जाना है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हो, सांप जो है रेस्क्यू हो गया, और ये जो कि एक इंडियन रेड स्नेक है, जिसको गांव में धामन के नाम से जानते हैं, और बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। देख रहे किस तरह वार कर रहा है, देखिए ये पूरा काटने के लिए पूरा गुस्सा में। अभी ये सांप जो है पेड़ में भी चढ़ जाता है, और ये भागने में ये सांप महानता हासिल कर रही है। इसको बहुत जगह घोड़ा पछाड़ के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं कि यह सांप जो है घोड़ा से भी तेज भागता है, इसी कारण इसको घोड़ा पछाड़ कहा जाता है। और दोस्तों कभी भी ऐसा बिना जहरीला सांप किसी को काट लेता है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कभी भी ओझागुनी झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ऐसा सांप के काटने से लोगों की मृत्यु तो नहीं हो सकती, और कुछ भी नहीं हो सकता। आपको ज्यादा नहीं, एक टीटी का इंजेक्शन जरूर लगा लेना, जैसे आपको इन्फेक्शन नाम की चीज कोई हो नहीं। और आए दिन क्या होता है, ऐसा नॉन वेनमस सांप काटता है लोगों को, और लोग की मृत्यु हो जाती है। उसके पीछे का रीजन रहता है, घर के अगल बगल के लोग इतना ज्यादा डरा देते हैं कि वो डिप्रेशन और हाई प्रेशर से वो मर जाते हैं, सांप के काटने से नहीं मरते। इसलिए कभी भी ऐसा बिना जहरीला सांप काट लेता है
तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी नहीं होगा। और जहरीला सांप कभी भी किसी को काट लेता है तो एक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है कि सीधा आपको जाना है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जहरीला सांप काटे और ओझागुनी के चक्कर में पड़िएगा तो फिर तो भोज होना तो निश्चित है, इसलिए डिसाइड आपको करना है जहरीला सांप काटे तो आपको हॉस्पिटल जाना है या ओझा के पास। और ये ज्यादा बिग साइज का नहीं, जैसा कि देख रहे हो ये एक बेबी है। और इसका जो मुख्य भोजन है जो कि चूहा है, और चूहा की तलाश में जो है घर पे प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों बहुत किसी का ऐसा कहना रहता है कि धामन सांप जो है ये दूध पीता है, तो ये सब जो कि एकदम गलत है। दुनिया का कोई भी सांप जो है दूध नहीं पीता है, क्योंकि इसके बॉडी में एंजाइम पाया ही नहीं गया है कि ये दूध को हजम कर सके। इसलिए सांपों को दूध पिलाने का बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, और अगर जबरदस्ती अगर कोई दूध पिला दीजिएगा तो इसको निमोनिया हो जाएगा और इन लास्ट जो है सांप मर जाएगा। इसलिए सांपों को दूध ना पिलाएं, आप लोग पानी पिलाने का प्रयास करें। अगर सांप को पिलाना ही आपको तो पानी, और ये आई थिंक लगता है चूहा खाया हुआ है, और इसको अगर ज्यादा तंग करेंगे तो ये चूहा को भी निगल देगा। इसलिए इसको जो हम लोग सेफली पैक कर लेंगे, फिर कोई घना जंगल जाएंगे तो वहां पे सांप को जो है सुरक्षित आजाद कर देंगे, जैसे कि सांप जो है अपना आगे की जिंदगी को सुरक्षित जो है वातावरण में गुजार सकता है। और दोस्तों जैसा कि देख रहे हो सांप जो पैक हो गया, और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा कॉपी करने का बिल्कुल मत प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो काम है एक प्रॉपर ट्रेनिंग पर्पस का होगा। अगर आप कॉपी कीजिएगा तो सावधानी होती तो दुर्घटना घट जाएगी, इसलिए कॉपी करने का बिल्कुल मत प्रयास कीजिए। सांप जो पैक हो गया सुरक्षित कोई घरा जंगल जाएंगे, वहां सांप को सुरक्षित जो है आजाद कर देंगे, सांप अपना आगे की जिंदगी को सुरक्षित गुजार सकेगा। सो होप गाइस आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो पे एक लाइक करना भूले। चैनल पे नए रहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के घंटे को दबा दे, जैसे इसी तरह स्नेक से रेप्टाइल से जुड़ी जानकारी आपके फोन तक सबसे पहले आए। मिलते हैं गाइस जल्दी ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे छोटे छोटे बेजान को बचाते हुए। मैं परवेज स्नेक सेवर डिस्ट्रिक्ट बोकारो से, सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, और सांप से हमेशा दूरी बनाए रखे। जय हिंद, वंदे मातरम। ना बहुत भीड़ वाला काम है, शोर वाला थोड़ी काम है, हम लोग का भी इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों अभी जो हम लोग काफी घना जंगल में आ गए, तो जैसा कि आपको बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, और ये जंगल जो है बहुत ही घना जंगल है, और बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, जिसके कारण जैसा कि आप लोग पानी देख रहे होंगे खेत सब में, तो कैमरा में थोड़ा दिखाइएगा। और हर जगह जो है पानी पानी भरा हुआ है, जिसके कारण हमको हाफ पैंट पहन के आना पड़ा। और ये जो सांप जो है वस्तु विहार प्रखंड चास में जो है ये रेस्क्यू हुआ था, जो कि एक इंडियन रैप शेर था, उसको जो आज जो हम लोग जंगल में सुरक्षित जो है आजाद करने के लिए आ गए हैं। चलिए इसको हम लोग बाहर निकालते हैं और इसको सुरक्षित जो है इस घना जंगल में आजाद कर देते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये जो कि इंडियन देखिए काटने के लिए कितना ज्यादा ही गुस्से मूड में, तो आइएगा कैमरा मैन इसको रिलीज करते हुए लीजिएगा, जाते हुए नहीं जाते हुए लीजिए। देखिए किस प्रकार ये जाएगा जंगल की ओर, देखिए थोड़ा कैद कीजिएगा। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हो सांप को जो है सुरक्षित जो है आजाद कर दिए है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देखे सांप को जो है रिलीज कर दिया, और कितना ही ज्यादा स्पीड था, क्योंकि ये एक मात्र झारखंड में ऐसा सांप पाया जाता है जो कि भागने में महानता हासिल कर ली है, और इसी को हम लोग धामन इंडियन रेड स्नेक और भी दरास के नाम से भी इसी को जाना जाता है। और दोस्तों ये एकदम बिना जहरीला जैसे कि बताया, और आए दिन क्या होता है लोग के घर में सांप घुसते और सांप को जो है मार देता है, मार के कोई गोल्ड मेडल या फिर प्राइज आपको मिलने वाला है नहीं। सांप को जो है बचाने का आप लोग प्रयास करिए, इन केस आए दिन क्या हो जाए लोग के घर में सांप घुसते और मार देते, और अगर मार दीजिएगा तो उसकी जनसंख्या वहीं पे स्टॉप होगी। और अगर आप उसको बचाइएगा और ऐसा वातावरण में आके छोड़ दीजिएगा, अगर आपके घर में घुस गया आप उसको पकड़ लिया और ऐसे वातावरण में छोड़ दिया घना जंगल में आके, तो इसकी जनसंख्या जो है बढ़ते रहेगी, और बढ़ेगी इसकी जनसंख्या तो क्या होगा इन फ्यूचर जो है लोग सांप को देख पाएंगे, नहीं तो उसकी अगर जनसंख्या खत्म हो जाएगी तो इन फ्यूचर जो है सांप को भी देख नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों सांप को और ऐसे ऐसे बेजुबान को बचाए रखे, और आए दिन क्या होते लोग मार देते हैं, तो मार रहा आप सभी से एक छोटी सी क्वेश्चन, सांप को मारे ना उसे बचाए। और सो होप गाइस आप सबको आज की वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो जरूर एक वीडियो पे लाइक करें।